नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम जो RPSC सेकंड ग्रेड गणित के 10 प्रैक्टिस सेट नकुल पारिक सर द्वारा जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उन्हीं पब्लिकेशन द्वारा, उस पर थोड़ा सा डेमो देखेंगे कि वो बुक आ रही है वो किस लेवल की बुक है और कैसे उसमें आपको सोल्यूशन मिलेंगे, कैसे पेपर हैं, कितने पेपर हैं, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसी भी प्रकार का कोई क्या है पेड प्रमोशन नहीं है। नकुल पारिक सर मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, मैं खुद मैथ का स्टूडेंट हूँ तो आपको एकदम सही और सटीक बताऊंगा, ठीक है। एक महीने से कम का टाइम बचा है तो अब आपके लिए जो सबसे मेन बात है वो प्रैक्टिस है, टेस्ट प्लस जो प्रैक्टिस सेट है वही आपके सबसे मेन है, ताकि आपको क्या है कई क्वेश्चन क्या है क्लियर हो सके। देखो इस बुक की खासियत मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले तो क्या 10 मॉडल पेपर है, ठीक है, विथ सॉल्यूशन है। एक मॉडल पेपर 150 क्वेश्चन होते हैं, तो देखो 10 में 1500 हो गए, तो 1500 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। हालांकि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको पहले से आते होंगे लेकिन कुछ आते भी नहीं होंगे, तो वो क्या अगर आप टेस्ट में देख लेते हो ना कोई क्वेश्चन, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, डायरेक्ट याद रह जाता है वो, कि टेस्ट में कोई क्वेश्चन आया आपने देख लिया आपका वो गलत हुआ और आपने फिर सॉल्यूशन में उसका उत्तर देख लिया, तो वो क्वेश्चन आपके क्या दिमाग में एकदम फिट हो जाता है। तो उस हिसाब से आपके लिए 1500 क्वेश्चन बहुत उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में क्या फिर 1 से 10 तक की सबकी क्या आंसर की भी दी हुई है विद सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ओमआर शीट दिया साथ में क्या ओमआर शीट दिया जिसको आप अलग कर सकते हो, पन्नों जो ओमआर शीट है उसको अलग से निकाल कर फिर उसमें आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं मॉडल पेपर 1 का मैं आपको, वैसे क्या पेपर दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि आपके क्या है टेस्ट पेपर है। अब देखो फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर √1 − 2x + 3 sin−1 3x − 1/2 का प्रांत बताना है, तो आप किस विधि से प्रांत बताते हो वो आप उस हिसाब से बता देना। देखो ये प्रांत वाली विधि आपको पता ही ऑप्शन से ज्यादा सही रहती है, डायरेक्ट ऑप्शन से पहली जो लास्ट के अंक है, मान लो कि ये माइनस अनंत है तो −5, 7 या कुछ भी रख के देख लो, ये लास्ट वाला देखो, ये वाला देखो, यानी पहला और जो लास्ट है किसी भी अंतराल का वो मान रख के देखो। अगर ओपन इंटरवेल है तब तो आप क्या है पहले से थोड़ा पहले का रखो, जो लास्ट दिया उससे थोड़ा पहले वाला मान रखो, अगर क्लोज है तब आप सीधा का सीधा लास्ट वाला देख लो कि कहीं अपरिभाषित तो नहीं हो रहा है, उस हिसाब से होता है ये क्वेश्चन। तो वो आप क्या है अपने अभी आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबको पता भी चल गया होगा कि किस हिसाब से होगा। दूसरी बात है आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल किस हिसाब से है, ये जो लिमिट वाला क्वेश्चन है, बाकी आप डेमो देख सकते हो, इस हिसाब के क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल एकदम अच्छा है, 1500 क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से निकल जाएंगे। अगर कोई गलती भी होती है आपकी इस क्वेश्चन में तो आपको क्या वो क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन देखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने टेस्ट में वो गलत किया था, क्योंकि गलत किया हुआ क्वेश्चन बहुत याद रहता है। जैसे ये 7वां क्वेश्चन है √x + √y = √a, किसी स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंडों का योग क्या होगा, तो इसका क्या है अगर आपने मान लो कि गलत कर दिया ये क्वेश्चन तो अब आप सॉल्यूशन देखोगे तब आपको क्या ये लाइफ टाइम याद रहेगा फिर, ठीक है। अब देखो उत्तर किस हिसाब से दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इस हिसाब से उत्तरमाला दी हुई है, देखो इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से उत्तरमाला दी हुई है पूरी की पूरी, और उत्तरमाला में पूरा डिटेल से बताया गया कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर आपको ओमआर सीट दी गई है लास्ट में, इस हिसाब से ओमआर सीट दी गई है। अब देखो एक जो क्या कि जो टाइम कम बचा है अब सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट पर निर्भर रहना चाहिए, ठीक है। टेस्ट और जो आपका खास करके जो ग्रेजुएशन लेवल है उसको बार बार रिविजन करने से वो क्या थोड़ा सा याद हो जाती है, और ग्रेजुएशन वाला सिस्टम आपको पता है याद रहना ज़्यादा जरूरी है ना कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है कैलकुलस का जो पहला पार्ट है उसमें मान लो कि थोड़ा सा वो जो मिनिमा मैक्सिमा है उसके अलावा या अनंत स्पर्शियों के अलावा तो कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसमें ही थोड़ी सी गणना की बात है, बाकी तो ग्रुप थ्योरी रियल एनालिसिस में भी लगभग जो है वो उसी हिसाब से है, क्योंकि जो आपको वो अभिसारी अपसारी बताना है उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पार्ट है वो कैलकुलस में ही है जिसमें आपको गणना करनी होती है, बाकी में इतना गणना वाला नहीं है। और इसमें भी आपको जो पार्ट टू है जो नया जुड़ा है वो क्या उसमें डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि वो पहली बार जुड़ा है और वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इस हिसाब से आप लास्ट के एक महीने में आराम से कवर कर सकते हो, और ये 10 टेस्ट आप जरूर दे सकते हो। बुक आप अपने आपके बुक स्टोर पर जल्दी उपलब्ध हो जाएगी और ऑनलाइन आप ले सकते हो इस बुक को, ठीक है। तो ये बुक थी अवनी पब्लिकेशन की, और किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। नकुल पारिक सर को क्या मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे बड़े भाई समान है, मेरे जो ननियाल है वहाँ के हैं ये, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दिया, तो आप देख लेना पूरा। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।